हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रागवी व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आज है मेरे बेबी मिवान का बर्थडे। आज उसका सेकंड बर्थडे है और आज उसी की प्रिपरेशन जहाँ सारी चल रही है। तो आई होप आप लोग को ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग और देखते हैं कि कैसी प्रिपरेशन रही। देखिए टेंट लग गया है। अभी सुबह 9:30 बज रहे हैं और उन्होंने 9 बजे कहा था, 9:30 बजे तक उन्होंने लगा के चले गए हैं। और ये सारी चीज़ ये है और ये दो स्पीकर यहाँ पे मंगाते हैं। क्या है वो? हाँ मिवान, वाव है। क्या है? टेंट। हाँ अच्छा लगा। हाँ ऊपर। हाँ 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 वाव 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 वाव।
है, जितनी चीज़ें लगी हैं, टेंट लगा है, उसको देखे काफ़ी खुश हैं, काफ़ी एक्साइटेड हैं, वाओ वाओ कर रहे हैं। और वो अभी उसी पे है, अभी आ रहा है थोड़ा वहाँ पे से। और अभी बस मुझे थोड़ी हाँ वाओ, तो अभी बस मुझे केक लेने जाना है। 1 बजे उसने बुलाया है केक लेने के लिए, तो मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि वो होम डिलीवरी नहीं कर रहा है इस समय, तो वो लेने जाना है। बस उसके बाद डेकोरेशन का काम है, तो तब तक सारी चीज़ें हो चुकी हैं और हलवाई को भी कह दिया है सारी चीज़ों को कंप्लीट करने को, शाम को 6 बजे तक सब दे जाएगा। तो बस यही तैयारी चल रही है, और जब डेकोरेशन होगा तो डेकोरेशन करना 2 बजे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 7:30 बजे से पार्टी है, तो क्योंकि धूप बहुत तेज है तो आई थिंक बैलून वगैरह तो इसलिए जो है 2:30 बजे के बाद ही बैलून लगाना स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखते रहिए मिवान का सेकंड बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और किस तरह से अभी हम खा रहे हैं बैलून खुलाने, और पहले हम सोच रहे हैं कि सारे बैलून को खुला लेते हैं, उसके बाद फिर आगे काम चलेगा। अभी तो क्योंकि बैलून खुलाने में काफ़ी टाइम लग जा रहा है, तो अभी पंप को करते देखते काम करता है, देखने करेगा तो ठीक। काफ़ी टाइम हो गया, मैंने 12 बजे से स्टार्ट किया था ये बलून्स को लेकर फुलाना, और अभी जो है 2 बज गए हैं करेक्ट। और अब ये मैंने 100 बलून फुलाए हैं, अगर ये कम ज़्यादा होंगे तो मैं थोड़ा सा और थोड़े और भी बाद में फुला लूँगी, लेकिन पहले अब उसका आर्क बनाऊँगी और उसका जो थोड़े बहुत पिलर है वो ट्राई करूँगी कि बनता है कि नहीं बनता है, देखते हैं कैसा बन पाता है। अगर बन जाएगा तो फिर ये लगाने के काम आ जाएगा, नहीं तो फिर मैं सिंपल सी डेकोरेशन कर दूँगी। ठीक है, तो ये देखिए बलून मैंने फुला लिए हैं 100 बलून्स, बहुत ही मेहनत लगी, बहुत ही देर से मैं फुला रही हूँ। और ये जो पंप मिला था ना मुझे, उसके लिए इसको थोड़े ही बलून फुलाया मैंने, 10 से 15 बलून फुलाए होंगे। इसके बाद ये जो है यहाँ से तो दिखाती हूँ, ये यहाँ से अलग हो जा रहा है, दूसरा थोड़ी देर बाद और ट्राई किया तो अब ये बहुत टाइट हो गया है, जो कि बहुत ही मुश्किल है इससे करना। तो आपको अपने मुँह से, मुझे तो खासकर अपने मुँह से ही फुलाना पड़ा, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और अगर आपको 100-200 बलून फुलाने हैं तो उसके लिए बहुत ही बेकार है, फिर आप इलेक्ट्रिक वाला एयर पंप ले सकते हो, वो अच्छा होता है। तो फिलहाल आप देखो मेरी मेहनत, कितने प्यारे लग रहे हैं ये रेड एंड वाइट बलून। और अब क्या खा रहे हो आप, क्या खा रहे हो बेबी, खाना इस पर बैठ के? वाओ विवान, वाओ, हाँ हाँ उठ गए, वाह, बैठो बैठो बैठो, खाना खाओ, बैठो बैठो इस पे, बैठो इस पे, चिपका के बैठेगा एकदम, उसको बैठने के चक्कर में ना ना बैठना उसको उसी पे, लेकिन उससे एकदम चिपका के। वाह, अब खाना खाइए। वाओ वाओ बेबी, वाओ खा लिया तुमने, वाओ, हाँ उठ जाओ। ये तो गाइस डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है, लेकिन जैसी सोची थी वैसी बिल्कुल नहीं हुई है, क्योंकि मैंने सोचा था आर्क वगैरह बना के करूँगी डेकोरेशन, पर वो हुई नहीं क्योंकि हवा के कारण पर्दे सारे उड़ रहे थे, तो टेंट में वैसी डेकोरेशन आई थिंक नहीं हो सकती। तो मैंने जैसे समझ में आया, जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ मुझे समझ में आई मैंने वो लगा दी और ऐसी डेकोरेशन कर लिया। मिवान स्टार, यस बलून, यस बलून, हाँ स्टार, हाँ।
तो गाइस ये हो गई डेकोरेशन कंप्लीट और मिवान की बर्थडे की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। केक आ चुका है, होटल से खाना भी आ चुका है और 8 बजे केक कटिंग का टाइम है, तो 8 बजे के लिए सब लोग रेडी होने गए हैं। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय।